हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स आर द डिटरमिनेंट्स दिस एंड दिस इक्वल। हमें ये बताना है किस एक्स की वैल्यू के लिए दो डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले क्या है। सॉरी, की कॉन्सेप्ट ये, अगर हमारे पास ये डिटरमिनेंट इस टाइप से दिए हमें ए बी सी डी, और ये इसके इक्वल है किसके, पी क्यू आर एस के, तब तो हम कैसे क्या करते हैं, इस वाले का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी, इक्वल रख देंगे इस वाले डिटरमिनेंट के, वो कितना हो जाएगा, पी एस माइनस क्यू आर। इसी को फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू एक्स माइनस थ्री 5x इक्वल टू टेन वन, माइनस थ्री टू। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अलग डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका अलग, इसका डिटरमिनेंट इस दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2x² माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज व्हाट, -15। इक्वल में क्या चल रहा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 2 = 20, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 15, 20 माइनस माइनस प्लस 15, तो ये कितना हो गया 23। 2x² इज इक्वल टू 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा 8, तो x² की वैल्यू कितनी हो गई, x² इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।